हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम आपसे बात कर रहे हैं एमसीक्यूज के बारे में। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले से सब्सक्राइब करिए। अब हम हमारा जो टॉपिक है उसके क्वेश्चंस जो हैं उनके ऊपर बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हार्टवुड फ्रॉम विच हेमेटोक्सिलिन कम्स फ्रॉम। तो आपको पता है कि हेमेटोक्सिलिन जो होता है वो कैसा होता है, नेचुरल डाई होता है। और नेचुरल अगर डाई है तो वो किस नेचर में किसी न किसी चीज़ से मिलेगा, ठीक है। कहाँ से मिलता है, जैसा ही क्वेश्चन में बताया है कि वो हार्टवुड से मिलता है। आपको पता है दो प्रकार की वुड होती है, हार्टवुड और सेपवुड। तो ये हार्टवुड से मिलता है, ठीक है। और जो हार्टवुड है वो कौन से प्लांट की होती है, तो ये इस वजह से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में आने लायक है। तो ये हेमेटोक्सिलिन कैपेचिनम, तो ये प्लांट का नाम है। इस प्लांट की हार्टवुड से आपको हेमेटोक्सिलिन मिलेगी। आगे हम बात कर लेते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है ग्लेशियल कैपिटल एच ए सी एन ए हेमेटोक्सिलिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये ग्लेशियल जो कैपिटल एच कैपिटल ए सी जो है ये क्या है, तो ये मॉर्डेंट है या एक्सेंटुएटर है या एक्सीलरेटर है या तीनों है या फिर बी और सी है, कौन सी चीज है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेनिंग में काम में आता है। और स्टेनिंग में जब ये काम में आता है तो ये क्या करता है, स्टेनिंग को जो है मतलब थोड़ा सा उसकी प्रक्रिया को जो है बढ़ा देता है, कहें तो आपसे। तो अब आप इसको याद अगर कर लेते हैं तब भी आप कंफ्यूज जो है वो दो ऑप्शंस में हो सकते हैं, एक एक्सेंटुएटर और एक्सीलरेटर में। तो ये जो है कौन सा है, एक्सेंटुएटर है। तो इसी वजह से इसको नाम को पढ़ा जाता है ग्लेशियल एज एक्सेंटुएटर, ठीक है। मैंने क्वेश्चन के टाइम पर इसलिए नहीं पढ़ा था जिससे कि ये पता नहीं पड़े। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेंटुएटर। अगला क्वेश्चन है, ब्रिलियंट कैसाइल ब्लू इज ए एजोडाई है या ट्राइफ्लाइल मेथेन है या डाई थाइजिन डाई है या जेंथिन डाई है या ऑक्साइजिन डाई है। तो ब्रिलियंट कैसाइल ब्लू है वो कौन सी डाई है, वो एजोडाई है या इन पांचों में से कौन से प्रकार की डाई है, तो वो बताइए आप। तो ब्रिलियंट कैसाइल ब्लू जो है वो ऑक्साइजिन डाई है। अगला क्वेश्चन है, हेमेटोक्सिलिन जो है वो क्या करता है, स्टेन्स द न्यूक्लियस स्टेन साइटोप्लाज्म इज नेगेटिवली रिचार्ज और ऑप्शन है ऑल। तो आप ऐसा तो है नहीं है कि एक डाई है वो न्यूक्लियस को भी स्टेन कर दे और साइटोप्लाज्म को भी कर दे, तो इस प्रकार से ये ऑल ऑप्शन है ये चला जाएगा। तो या तो इसको करेगा या इसको करेगा ये स्टेन, ठीक है। तो ये किसको स्टेन करता है, ये न्यूक्लियस को स्टेन करता है हेमेटोक्सिलिन जो है। अगला क्वेश्चन है, एसोसिएशन मतलब कौन सी जो है स्टेनिंग या कोई जो है इन दोनों स्टेनिंग में से कौन सी स्टेनिंग है जिसके साथ में ये जो लाइन है ये मैच करती है। डाई विल नॉट बी द कलर सीन इन द टिश्यू, मतलब जो है जब आप स्टेनिंग करते हैं तो डाई का कलर आपको टिश्यू में नहीं दिखेगा, ऐसी कौन सी स्टेनिंग में होता है। तो स्टेनिंग तो हम देखने के लिए तो करते हैं कि जो टिश्यू है उसके अंदर ही तो देखने के लिए करते हैं, उसकी संरचनाओं को देखने के लिए करते हैं। तो इस वजह से ना तो प्रोग्रेसिव स्टेन होगी ना रेग्रेसिव स्टेन होगी। तो ऑप्शन इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर। अगला क्वेश्चन है, क्रिसाइल जिसको हम बात करते हैं फास्ट वायलेट, जो क्रिसाइल फास्ट वायलेट है ये किसका एग्जाम्पल है, ये किनोन रिंग का है या किनोन एमाइन ग्रुप का है, तो ये किसका है या फिर दोनों का ही नहीं है, दोनों का है, तो ये क्यूनोन एमाइन ग्रुप का है ये। अगला क्वेश्चन है, ट्यूब फोर डी पैराफिनाइजेशन, पैराफिनाइजेशन के लिए कौन सी बात इनमें से सही है। पहला ऑप्शन है, मेक्स स्टेन परमिएट टिश्यू सेक्शन विद हाइली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये कह रहा है कि जो स्टेनिंग जो है वो जो डी पैराफिनाइजेशन करने का ये फायदा है कि इससे जो स्टेनिंग है वो क्या है आसानी से टिश्यू में प्रवेश कर जाती है, किसके साथ में, ऑर्गेनिक हाईली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ में, ये बात कह रहा है। फिर दूसरा ऑप्शन है, 1 to 2 चेंजेज ऑफ एल्कोहल फॉर 1 मिनट या यूजेज 95% एथेनॉल या आंसर है इसका डी, ये सारे होंगे।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेक्स स्टेन परमिट टिश्यू सेक्शन विद हाईली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, इस वजह से क्या है, ये डी पैराफिनाइजेशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आयरन हेमेटोक्लिसिन होती है क्या चीज होती है, एनहांसिस द कॉम्बिनेशन ऑफ द डाई विद न्यूक्लियस, कलर्स द न्यूक्लियस ब्लैक, यूज फॉर प्रोग्रेसिव स्टेनिंग, और डी ऑल या फिर ई जो है ए एंड बी, इन दोनों में से क्या है। तो आयरन हेमेटोक्सिलिन जो है वो न्यूक्लियस के साथ में कॉम्बिनेशन को एनहांस करता है, बिल्कुल करता है। जो कलर है न्यूक्लियस का उसको ब्लैक करता है, बिल्कुल करता है। यूज फॉर प्रोग्रेसिव स्टेन, ये बात थोड़ी सी हमको नहीं सही लगी, तो इसलिए आंसर इसका ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आयरन मोल्डेंट्स स्टेन द साइटोप्लाज्म ब्लैक, जो आयरन के जो मोल्डेंट्स होते हैं वो किसको साइटोप्लाज्म को स्टेन करते हैं और वो ब्लैक कलर में स्टेन करते हैं। तो ये बात है आपको सही है कि आप अगर ऊपर के क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकते हैं, आसानी से इसको बता सकते हैं कि इसका आंसर फाल्स है। चलिए दसवां क्वेश्चन है, दीज आर कॉमनली यूज टू काउंटर स्टेन एलम हेमेटोक्सिलिन, तो इनमें से जो है कौन कौन से जो एओसिन है या कॉन्गोरेड है साफ्रानिन है वो एलम हेमेटोक्सिलिन के साथ में क्या है काउंटर स्टेन यानी कि बैकग्राउंड को देने के लिए की जाती है। कौन सी डाई है जो की जा काम में ली जाती है, वो ईएसिन भी ली जाती है, कांगो रेड है वो भी ली जाती है, साफ्रानिन है ये भी ली जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑल। अगला क्वेश्चन है फोर, हाउ लॉन्ग डज द एसिडिफाई ईएसिन गिव ए गुड रिजल्ट बिफोर इट्स पीएच राइजेस, तो जो है कि ऐसी कौन सी जो स्टेन है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ईओसिन है, फॉर हाउ लॉन्ग डज द एसिडिफाई काउंटर स्टेन ईओसिन गिव ए गुड रिजल्ट बिफोर इट्स पीएच राइजेस, तो ईओसिन है उसको कितने टाइम तक अगर हम जो है रख देते हैं तब तक वो बेस्ट वर्क करती है, ये पूछना चाह रहा है इसमें। तो उसको एक दिन तक रखेंगे तभी करेगी या एक दिन के बाद वो खत्म हो जाएगी या पाँच दिन के बाद में खत्म होगी या एक वीक के बाद में या दो वीक के बाद में फोर वीक के बाद, मतलब इसका बेस्ट रिजल्ट देना कब बंद हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि दो वीक के बाद में, अगर दो वीक तक उसको रखे हुए रखते हैं तो वो क्या है एसिड जो फाइव काउंटर स्टेन ईएसएन जो होती है वो आपको रिजल्ट देना बंद कर देगी, मतलब आपको कम रिजल्ट देगी अच्छे रिजल्ट नहीं देगी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे समझ में, इसका मतलब ये है कि आपका जो स्टॉक सॉल्यूशन है उसको आप दो वीक तक बना करके रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ ए डाई दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अल्टरनेटिंग लाइट रेजोनेंस, तो देखिए जब हम डाई को देखते हैं जब आप स्टेनिंग करते हैं तो ऐसा कौन सा डाई का कंपोनेंट है जो कि उसके साथ में जुड़ता है और उससे हम उसको देख सकते हैं जो कि लाइट रेजोनेंस प्रदान करता है, तो उसका ऑप्शन से क्रोमोफोर है या ऑक्सोक्रोम है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमोफोर। अगला क्वेश्चन है, वॉन एपेथीज गम सिरप इज यूज फॉर परमानेंट माउंट टेम्पोरेरी माउंट बोथ और नाइदर, तो वॉन एपेथीज की जो गम सिरप है वो परमानेंट माउंट के लिए काम में ली जाती है या टेम्पोरेरी माउंट के लिए काम में ली जाती है, ये दोनों के लिए ली जाती है, तो ये टेम्पोरेरी माउंट के लिए काम में ली जाती है, इसको आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, स्टेनिंग विद ए सिंपल एक्वस और एल्कोहल सॉल्यूशन लाइक मिथाइलिन ब्लू इज एग्जांपल ऑफ, अगर आप डायरेक्ट क्या करते हैं आप मिथाइलिन ब्लू में स्टेनिंग करते हैं तो आपको ये कौन सी स्टेनिंग है, ये मिथाइलिन ब्लू के साथ में, या वो सिंपल एक्वस में डाल दें या फिर एल्कोहल एक में डालें, ये वाइटल स्टेनिंग या रूटीन स्टेनिंग या डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है या प्रोग्रेसिव है, तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट स्टेनिंग। ठीक है, अगले हम जो क्वेश्चन से 15 से लेकर के आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक